नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, कुछ डिस्टेंस पे उनको रखा गया है, ठीक है। एंड तो क्या हुआ कि एक इनफाइनाइट रेडिएशन शील्ड इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, एक इनफाइनाइट दो इनफाइनाइट प्लेट के बीच में एक इनफाइनाइट रेडिएशन शील्ड रखी गई है, ठीक है, विदाउट टचिंग एनी ऑफ देम टू रिड्यूस हीट एक्सचेंज, ठीक है। वो रखी गई है उनके मतलब सेंटर पर रखी, बिना टच किए हुए रेडिएशन शील्ड को हमने दो इनफाइनाइट प्लेट के बीच में रख दिया, ठीक है। कि क्या 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 किस वजह से रखा हमने, टू रिड्यूस हीट एक्सचेंज, मतलब हीट जो एक्सचेंज होती है, जो दो इन्फाइनाइट प्लेट के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने रेडिएशन शील्ड रखी है। अज्यूम दैट इमिसिविटी ऑफ द प्लेट्स एंड रेडिएशन शील्ड्स आर इक्वल, जो इमिसिविटी है वो प्लेट की और जो दोनों प्लेट हैं और जो रेडिएशन शील्ड हमने रखी है उनकी इक्वल इमिसिविटी है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन द प्लेट्स विद एंड विदाउट शील्ड, अब हमको निकालना है रेशियो, रेशियो किस चीज़ का, एक तो नेट हीट एक्सचेंज विदाउट एनी शील्ड, मतलब कि जब हम शील्ड रखेंगे तब कितना नेट हीट एक्सचेंज होगा दो प्लेट्स के बीच में, और जब विदाउट शील्ड है, जब शील्ड नहीं डाल रखी है उसमें, तब कितना हीट एक्सचेंज है उन दो प्लेट्स के बीच में। बेसिकली रेडिएशन जो शील्ड जो हम रखते हैं वो हीट जो लॉस होता है, जो दो मतलब हीट एक्सचेंज जो होता है दो प्लेटों के बीच में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम शील्ड लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि कम से कम हमारा हीट लॉस हो। तो अब जैसे कि मैं निकालता हूँ, सबसे पहले मैं विदाउट शील्ड निकालता हूँ, कि विदाउट शील्ड आपको पता है कि कितनी बार निकाल चुके हैं, दो इन्फाइनाइट पैरेलल प्लेट है, इन्फाइनाइट पैरेलल प्लेट है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दो इन्फाइनाइट पैरेलल प्लेट है उनके बीच में कितना हीट एक्सचेंज होता है Q12 आपको पता है, ठीक है। मैं विद शील्ड की बात करता हूँ, अगर विदाउट शील्ड कितना हीट एक्सचेंज होता है, विदाउट शील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमिसिविटी में दो इन्फाइनाइट, जैसे कि मैं ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक पैरेलल प्लेट है, ठीक है, इस तो विद ठीक है, ये एक पैरेलल प्लेट है, देखो एक फॉर्मूला डिराइव करके आता है जिसमें हम देखो क्या होता है कि जैसे कंडक्शन में कंडक्शन रेजिस्टेंस आया था उसमें क्या था, BYKA कंडक्शन रेजिस्टेंस, Q=ΔT/R, डेल्टा टी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, अगर हम एनोलॉजी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, तो उसमें जो कंडक्शन रेजिस्टेंस आया था BYKA आया था, ऐसे कन्वेक्शन में BYHA आया है। तो इस केस में भी देखो रेजिस्टेंस होता है, एक तो रेजिस्टेंस होगा सरफेस का रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस होगा स्पेस का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं अगर इसमें वो आपने पढ़ा होगा इसका डेरिवेशन आपने किया होगा, मैं इसमें बहुत लंबा ले आऊँगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इस जो सरफेस का रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊँ, इसका रेडिएशन सर्किट बनाऊँ, रेडिएशन सर्किट बनाऊँ तो क्या बनेगा, देखो मैं रेडिएशन सर्किट बना रहा हूँ एलोगी जैसे उसका बनता था, किसका बनता था जैसे कंडक्शन का बनता था, कन्वेक्शन का बनता था, वैसे इसका भी एक रेडिएशन सर्किट है और इसमें भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्या क्या रेजिस्टेंस है देखो, यहाँ पर हो गया EB1, ये इमिसिव पावर हो गई, जैसे हम उसमें टेम्परेचर लेते थे T1, यहाँ पर हमने EB1 लिया है, ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और सबसे पहले आएगा रेजिस्टेंस किसका, ये जो सरफेस है पहली सरफेस है इसका रेजिस्टेंस आएगा, फिर आएगा रेजिस्टेंस ये जो स्पेस है इसका रेजिस्टेंस, स्पेस की वजह से भी रेजिस्टेंस आता है, और ये इस सरफेस का रेजिस्टेंस, ठीक है,
ये हो गया लास्ट में ई बी टू, समझ गए। मैं केवल ये देखो, ये सरफेस का रेजिस्टेंस, इनसाइड सरफेस का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, बाहर वाले का नहीं ले रहा हूँ, एक 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 सरफेस का ले रहा हूँ अंदर वाले का, इसका रेजिस्टेंस, और फिर ये स्पेस आया इसका रेजिस्टेंस, फिर ये इनर सरफेस जो है ये दूसरे प्लेट का, इसका रेजिस्टेंस, तो तीन रेजिस्टेंस आ गए। तो इन तीन रेजिस्टेंसों में अगर मैं इसकी इमिसिविटी एप्सिलॉन एरिया ए वन, इमिसिविटी एप्सिलॉन टू एरिया ए टू इस प्लेट का, तो इसका 1 by epsilon 1 into a1 ये हो गया इसका, इस सरफेस का रेजिस्टेंस, सरफेस इसको कहेंगे सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है। और a1 f1 2 ये हो गया स्पेस का रेजिस्टेंस। अब इस केस में ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, और T1 ग्रेटर देन T2 है, मतलब कि जो नेट रेडिएशन का हीट लॉस हो रहा है फ्रॉम प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ हो रहा है, ठीक है। T1 ग्रेटर देन T2, नेट रेडिएशन हीट लॉस 1 से 2 की तरफ। तो जो इसमें F12 है ना, ये व्यू फैक्टर है, व्यू फैक्टर, ठीक है, व्यू फैक्टर कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, तो कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, समझ गए। तो नेट रेडिएशन हीट लॉस 1 से 2 की तरफ हो रहा है, अगर इसमें 2 से 1 होता तो यहाँ पर F21 आता और एरिया A2 आता, ठीक है। और फिर ये, और ये क्या हो गया, ये इस सरफेस का रेजिस्टेंस हो गया, इसको भी ये हो गया स्पेस रेजिस्टेंस, ये हो गया सरफेस रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2 इनटू A2, ठीक है। तो ये हो गया रेडिएशन सर्किट, नेट रेडिएशन सर्किट, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसमें वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस, इसमें क्या है इमिसिव पावर, ठीक है, नेट इमिसिव पावर का डिफरेंस डिवाइड बाय, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जैसे हम वहाँ बनाते थे I = करंट का फ्लो, I = ΔV/R, या हम जब कंडक्शन में बात करते थे Q = ΔT/R, तो यहाँ भी Q = ΔT/R बनेगा। तो यहाँ भी Q1 नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर, इसमें डेल्टा टी क्या है Eb1 - Eb2 डिवाइडेड बाई आर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें आर क्या हो गया, ये हो गया, तीनों सीरीज में है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 - εr / 1 - 1 by a1 f1 2 + 1 - εr / 2 / a2 ऐड हो जाएंगे, तो ये रेडिएशन सर्किट बन गया। तो अब इससे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा कैसे, देखो पहला मैंने बताया था विदाउट शील्ड, कोई शील्ड नहीं है, ठीक है, विदाउट शील्ड। तो विदाउट शील्ड के केस में दो इनफाइनाइट प्लेट हैं, तो इस केस में दो इनफाइनाइट प्लेट है, तो इस केस में एरिया दोनों का सेम होगा, तो पर यूनिट एरिया ले तो क्या होगा, एरिया दोनों का सेम होगा, A1 और A2 दोनों का सेम होगा, A1 A1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ Eb1 - Eb2 / 1 - εr / 1 - εa1 + a1 f1 2 + 1 - εr / 2 / εr / 2 a2, ठीक है। तो Q12 इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, सिग्मा T1 की पावर 4, तो सिग्मा कॉमन लिया T1 की पावर 4 - T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, देखो इमिसिविटी तीनों की इसकी और इसकी कांस्टेंट है, मतलब कि एप्सिलॉन क्वेश्चन में εr / 2, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है εr / 1 εr / 2 और रेडिएशन शील्ड को मैं εr / 3 मान लेता हूँ, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और एरिया भी यहाँ पर a1 a2 a3 क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो a1 a2 a3 ये तो सब कॉन्स्टेंट है, ये ऊपर आ गया तो पर यूनिट एरिया आ जाएगा, यहाँ पर यूनिट एरिया a, और सबकी इमिसिविटी कॉन्स्टेंट है, तो 1 - εr / 1 मैंने εr ले लिया, और इसको एरिया a ले लिया εr / εr, ये हो गया प्लस F12 1 से 2 की तरफ व्यू फैक्टर कितना होगा, 1 होगा क्योंकि इनफाइनाइट पहले प्लेट है, तो व्यू फैक्टर क्या है 1 2 है, ठीक है, F12 क्या होगा 1 होगा, ये 1 हो गया,
प्लस वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, सिग्मा टी वन की पावर फोर माइनस टी टू की पावर फोर डिवाइडेड बाई वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन। ठीक है, माइनस वन से ये कट गया तो कितना आया, सिग्मा टी वन की पावर फोर माइनस टी टू की पावर फोर डिवाइडेड बाई टू ओवर एप्सिलॉन माइनस वन क्यू वन टू डिवाइडेड बाई एरिया विदाउट शील्ड। ठीक है, ये विदाउट शील्ड आ गया। अब इसके बाद में अगर विद शील्ड की बात करूं तो विदाउट शील्ड है, अब विद शील्ड क्या होगा, क्यू वन टू विद शील्ड। ठीक है, अगर मैं इसके बीच में एक शील्ड रख दूं ठीक है, इसके बीच में ये शील्ड रख दी, ये इसकी एप्सिलॉन थ्री ए थ्री एरिया ठीक है, टेम्परेचर टी थ्री कुछ भी है और ये ए बी थ्री ठीक है, इसके बीच में शील्ड रख दी तो उस केस में जो ये रेडिएशन सर्किट है ये चेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा रेडिएशन सर्किट देखो, उस केस में दो तीन चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। क्या क्या ऐड हो जाएंगी, इसका सरफेस रेजिस्टेंस तो था, अब इसका स्पेस रेजिस्टेंस आएगा ये वाले का। ठीक है, देखो क्या होगा, जब शील्ड ऐड कर दी तो उस केस में क्या होगा, शील्ड ऐड करने के बाद मैं ये यहाँ पर चमक रहा है यहाँ पर आ रहा हूँ, जब शील्ड ऐड कर दी तो कितना होगा, देखो ई बी वन शील्ड ऐड करने के बाद बता रहा हूँ, ये विदाउट शील्ड है ये विद शील्ड है। तो पहले इसका सरफेस रेजिस्टेंस इस वाले प्लेट का कितना है, ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद इसका स्पेस रेजिस्टेंस, तो इसका स्पेस रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका स्पेस रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद इसका इस वाली सरफेस का रेजिस्टेंस इस साइड वाली का, ये जो इसके सामने वाली है ठीक है। अब उसके बाद फिर इस और फिर अब तो इसके सामने वाली का स्पेस है, अब इसके बगल वाली जो इसकी दो इसकी सरफेस प्लेट है ना, तो एक साइड ये होगी एक साइड ये होगी, तो इसकी दूसरी साइड का स्पेस इसकी दूसरी साइड का सरफेस रेजिस्टेंस, और फिर ये वाला फिर इसका स्पेस रेजिस्टेंस, और फिर इस वाली सरफेस का सरफेस रेजिस्टेंस, और ये क्या आएगा ए बी टू। समझ गए, अब देखो क्या होगा, इसका स्पेस रेजिस्टेंस क्या, इसका सरफेस रेजिस्टेंस क्या होगा इस वाली प्लेट का, वन माइनस एप्सिलॉन वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन वन ए वन ठीक है, और फिर इसका स्पेस रेजिस्टेंस इस वाले का वन ओवर ए वन एफ वन थ्री, इसमें वन थ्री आएगा क्योंकि ये इसके सामने है ठीक है। अब इसका सरफेस रेजिस्टेंस इस वाले का वन माइनस एप्सिलॉन थ्री डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन थ्री इंटू ए थ्री ठीक है। अब इसके सरफेस की दूसरी सरफेस, इस प्लेट की दूसरी सरफेस का इस सरफेस रेजिस्टेंस वही होगा जो पहली वाली का था ठीक है। अब इसका स्पेस रेजिस्टेंस वन बाई ए थ्री एफ थ्री टू एरिया ए थ्री, और इसके सामने वाली जो इसका व्यू फैक्टर एफ थ्री टू। अब इसका सरफेस रेजिस्टेंस इस प्लेट का कितना होगा, वन माइनस एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन टू इंटू ए टू। समझ गए, तो तो देखो एक रेडिएशन शील्ड बढ़ने से तीन स्पेस रेजिस्टेंस आ गए, एक्स्ट्रा ऐड हो गए तीन स्पेस रेजिस्टेंस, मतलब तीन रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड हो गए एक रेडिएशन शील्ड बनने से। तीन रेजिस्टेंस कौन कौन से ऐड हो गए, देखो ये तीन रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड हो गए, पहले कितने थे, तीन थे, अब कितने हो गए, अब छः हो गए
तो मतलब एक रेडिएशन शील्ड ऐड होने से तीन रेजिस्टेंस ऐड हो गए, तो तीन और उन तीन रेजिस्टेंस में से दो सरफेस रेजिस्टेंस ऐड हुए और एक स्पेस रेजिस्टेंस ऐड हुआ। देखो दो सरफेस रेजिस्टेंस किस कैसे, इस प्लेट इस रेडिएशन शील्ड के दो सरफेस हैं तो इसके दो सरफेस रेजिस्टेंस और एक स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। एक रेडिएशन शील्ड ऐड होने से तीन रेजिस्टेंस ऐड हो गए। अब ये जो सर्किट है, अब कितना हीट ट्रांसफर होगा वन और टू के बीच में, तो कितना होगा ई बी वन माइनस ई बी टू डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। तो इसमें इमिसिविटी जो है वो तीनों की सेम है, एप्सिलॉन हो गई, और एरिया भी ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू ए है। तो मैं इसमें डायरेक्ट रख रहा हूँ तो कितना आएगा, वन माइनस एप्सिलॉन, मैं एरिया यहाँ पर ले गया नीचे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन प्लस एरिया एफ। अब देखो इसमें जो व्यू फैक्टर है एफ वन थ्री और एफ थ्री टू, एफ वन थ्री और एफ थ्री टू तो वन ही है ना, सब केस में वन होंगे, तो प्लस वन और प्लस ये हो गया वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये ठीक है। एप्सिलॉन थ्री एप्सिलॉन थ्री एप्सिलॉन हो गया, ए थ्री को मैंने यहाँ पहुँचा दिया ए, और इस ये भी वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो और ये वाला स्पेस रेजिस्टेंस इसका वन हो गया, ठीक है, और ये भी वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, देखो छः हो गए, एक और ये हो गया वन, एक दो तीन चार, और ये वन हो गया, स्पेस रेजिस्टेंस वन हो गया, यहाँ पर भी वन स्पेस रेजिस्टेंस वन हो गया, और ये छः हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः रेजिस्टेंस है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो क्या आएगा, Q12 वन टू डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू ई बी वन माइनस ई बी टू डिवाइडेड बाई वन ओवर एप्सिलॉन माइनस वन प्लस वन प्लस वन ओवर एप्सिलॉन माइनस वन प्लस वन ओवर एप्सिलॉन माइनस वन प्लस वन प्लस वन ओवर एप्सिलॉन माइनस वन, ठीक है। माइनस वन से प्लस वन कट गया, माइनस वन से प्लस वन कट गया, तो कितना आया Q12 वन टू डिवाइड बाई एरिया ए सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, तो कितना आया वन बाई एप्सिलॉन, कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार हो गए, चार ओवर एप्सिलॉन, और ये कितने हो गए टू, कितने हो गए माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो कितना आया, तो वन वाई टू को मैंने बाहर ले लिया, टू को बाहर ले लिया, ये कितना हो गया सिग्मा टी वन की पावर फोर माइनस टी टू की पावर फोर डिवाइडेड बाई टू ओवर एप्सिलॉन माइनस वन, एक टू को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर जो बचा टू वाई एप्सिलॉन माइनस वन बचा, ये है विद शील्ड, ठीक है। क्या है विद शील्ड। अब उसने हमसे पूछा है कि रेशियो पूछा है नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन द प्लेट्स विद एंड विदाउट, मतलब विद और विदाउट शील्ड का उसने रेशियो पूछा है। अब देखो विदाउट शील्ड क्या है, विदाउट शील्ड कितना नेट हीट एक्सचेंज हुआ, ये हुआ, विद शील्ड कितना हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो विद शील्ड और विदाउट शील्ड, अब मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, देखो ये क्यू वन टू डिवाइडेड बाई एरिया ए, ये क्या है विद शील्ड, ठीक है, ये तो विद है। अब मैं इसी को रेशियो करूं, इसी का रेशियो करूं, मैं कुछ मिटा लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो Q12 विद, ठीक है, और Q12 विदाउट कितना होगा, देखो Q12 विद कितना है, ये है कितना है वन बाई टू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई टू ओवर एप्सिलॉन माइनस वन, ये तो हो गया विद,
और विदाउट कितना है, सिग्मा टी वन की पावर फोर माइनस टी टू की पावर फोर डिवाइडेड बाई टू ओवर एप्सिलॉन माइनस वन। यह है विद, यह है विदाउट, यह इससे कट गया तो कितना आया, यह आया वन बाई टू, समझ गए, ऐसे होता है विद एंड विदाउट, तो वन बाई टू हमेशा ध्यान रखना, याद ही कर लेना कि अगर विद सील्ड और विदाउट सील्ड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देख के भी लग रहा होगा विदाउट सील्ड, अगर नेट विदाउट सील्ड जो विद सील्ड है, विद सील्ड वो नेट हीट एक्सचेंज विद सील्ड इज इक्वल टू वन बाई टू, मतलब हाफ है विदाउट सील्ड के, मतलब कि हीट लॉस जो है वो कम हो गया, मतलब हीट एक्सचेंज होता वो कम हो गया, देखो कम हो गया, नहीं कम हो गया तो देखो हाफ हो गया पूरा, एक सील लगाने पर ही जो एक सील लगाने पर ही हीट एक्सचेंज जो हीट एक्सचेंज जो सब प्लेट दो प्लेट थी उनके बीच में आधा हो गया, समझ गया, आधा हो गया ना, तो इसलिए रेडिएशन सील्ड जो हम क्यों लगाते हैं, जो हीट एक्सचेंज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, हीट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और याद कर लेना कि अगर एक सील लगाएंगे तो आधा हो जाएगा, इमिसिविटी तीनों की कांस्टेंट है, ठीक है, और इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, ठीक है। सबसे मेन बात है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमेशा आप कहीं भी किसी में भी, चाहे ब्लैक बॉडी हो चाहे ग्रे बॉडी हो, यही अगर हमेशा मतलब कहीं भी आप ये लगा दोगे ब्लैक बॉडी हो ग्रे बॉडी हो, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे मैं छोटे छोटे बताए थे वो जो मैं शुरुआत में बताया था कि ये वाला याद कर लो, वो यहीं से निकल के आया है, यहीं से निकल के आया है, ये मतलब कि मेन है इक्वेशन, मेन इक्वेशन है जिससे सारे इक्वेशन सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2015 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कह रहा है कि द टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस इज 500 वाट पर मीटर स्क्वायर एट टेम्परेचर T1, ठीक है, 500 वाट पर मीटर स्क्वायर टोटल इमिसिव पावर दे रखे थे टेम्परेचर T1 पर, और 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर एट टेम्परेचर T2, ठीक है, T2 टेम्परेचर पर 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर, और पूछ क्या है कि इमिसिविटी ऑफ द सरफेस कॉन्स्टेंट है, सरफेस की जो इमिसिविटी है कॉन्स्टेंट है, भाई सरफेस तो सेम है, एक ही सरफेस पे पहले टेम्परेचर T1 पे क्या कहते हैं, एक ही सरफेस पे पहले टेम्परेचर T1 पे क्या कहते हैं 500 वाट पर मीटर स्क्वायर इमिसिव पावर हो गई, वो उसी इमिसिविटी की सरफेस पे टेम्परेचर T1 पे 500 वाट पर मीटर स्क्वायर, और उसी इमिसिविटी की सरफेस पे टेम्परेचर T2 पर 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया 500, मतलब 500 से 1200 अगर इमिसिव पावर बढ़ रही है तो मतलब टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा है, टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा है, पर इमिसिविटी सरफेस की कॉन्स्टेंट है, तो हमको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, क्या कहता है कि जो इमिसिव पावर ऑफ होती है वो ब्लैक बॉडी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी के जो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो ने लॉ दिया था वो ब्लैक बॉडी के लिए दिया था, तो उसने कहा था इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा था उसने, पर ठीक है, तो ई बी इक्वल्स टू सिग्मा कॉन्स्टेंट आ गया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, पर अगर नॉन ब्लैक सरफेस है तो नॉन ब्लैक सरफेस के केस में उसमें ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 इमिसिविटी आ गया, इमिसिविटी का रोल आ गया था, पर ठीक है, अब यहाँ से हम ई वन क्या होगा, ई वन हमको 500 दे रखा है, ठीक है, ई वन हमको 500 दे रखा है, और इमिसिविटी कॉन्स्ट एप्सिलॉन और सिग्मा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1 की पावर 4, ठीक है, और हमको ये दे रखा है 1200, इसका E2 1200 दे रखा है, ठीक है, एप्सिलॉन इमिसिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, सरफेस वही है, इमिसिविटी कांस्टेंट है, सिग्मा T2 की पावर 4 ये कट गया इससे, ये कट गया 5/12 T1 by T2 की पावर 4, तो T1 by T2 कितना आ गया, T1 by T2 कितना आ जाएगा 5/12 की पावर 1/4, तो कितना आ गया, ये आ गया 0.803, तो T1 by T2 कितना आ गया 0.803, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए सॉलिड स्फीयर है, भाई सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस आर है तो डायमीटर 2R हो गया, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है,
प्लेस्ड इनसाइड ए हॉलो क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल, हॉलो हॉलो क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल, बॉल होती है बॉल, ठीक है, स्फेयर टाइप स्फेयर बॉल होती है, उसका हाफ कर दिया तो वो जो हॉलो जो क्या कहते हैं जो उसका हाफ पोर्शन निकलता है उसमें हॉलो पोर्शन अंदर रहता है, उसी टाइप का हॉलो, उस हॉलो जो स्फेयर है हेमी क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल मतलब आधा, जो उसका उसके अंदर एक सॉलिड स्फेयर रखा है, ठीक है, सरफेस टू ऑफ रेडियस 4r, मतलब तो डायमीटर कितना हो गया 8r, द शेप फैक्टर f21 निकालना है, f21 मतलब f21 निकालना है, ठीक है, तो ये जो अंदर जो इनसाइड वाला सरफेस है ना उस पर निकालना है f21, क्या होगा कि f21 क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीविंग फ्रॉम सरफेस टू, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीविंग फ्रॉम सरफेस टू दैट रीचेज सरफेस वन, मतलब कि वन यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जब ये सरफेस रिलीज करता है, मानो इसने वन यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इस सरफेस टू ने रिलीज करी, ठीक है, तो उसका कितना फ्रैक्शन इस सरफेस वन पर गया, स्ट्राइक किया कितना फ्रैक्शन, वो होता है f21, ठीक है, व्यू फैक्टर ऑफ वन टू विद रेस्पेक्ट टू वन, f21 निकालना है हमको पता है, f21 प्लस f22 इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, और हमको ये भी पता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम से f21 a2 इज इक्वल्स टू f12 a1, f12 कितना होगा, f12 कितना होगा, तो f21 निकालने के लिए f12 निकालना, f12 कितना होगा, f12 होगा 1, कैसे, ये जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, लिखा ना प्लेस्ड इनसाइड ए हॉलो क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस, क्लोज्ड क्लोज्ड है ये पूरा, नीचे भी क्लोज्ड है ऊपर भी क्लोज्ड है, आप सोचोगे यार नीचे तो ज़्यादा क्लोज ही नहीं होगा, नीचे का सरफेस दूसरा हो गया, मतलब कि आप देख रहे हो ना बॉल को हाफ कर दिया तो हेमिस्फेयर ऊपर ऊपर बनता है, नीचे तो नीचे क्या है इसका हेमिस्फेयर का पार्ट नहीं होता ना, जब आप बॉल को क्लोज काटते हो तो, पर इस केस में क्लोज है पूरा, नीचे से जो सरफेस है ये वाली वो इस सरफेस का पार्ट है, तो मतलब ये जो पूरा है ना एक सरफेस टू ही है पूरा, नीचे वाला सरफेस भी टू है, क्लोज्ड कह दिया उसमें, समझ गए, तो अब ये तो आप इससे पहले क्या सोच रहे हो कि यार कि ये वाला 1 2 और सरफेस 3 नहीं ये भी 2 ही है, ठीक है, तो f12 इक्वल टू 1 कैसे होगा f12 का मतलब रेडिएशन, अगर मान लो 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इस सरफेस 1 ने रिलीज करी तो कितना फ्रैक्शन इस सरफेस 2 पे आएगा, सारा का सारा, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, इसके ऊपर खुद के ऊपर देम्स हिम माई सेल्फ मतलब खुद के ऊपर नहीं पड़ने वाला कोई रेडिएशन एनर्जी जो ये रिलीज करेगा, ठीक है, तो f12 इस केस में 1 होगा, f12 1 हो गया तो f21 क्या होगा, a1 over a2, a1 क्या है a1 है सॉलिड स्फेयर का सरफेस एरिया, यहाँ पर हम सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस कितना है, सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ रेडियस कितनी है, रेडियस भी आर ही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया 2, इसका एरिया सरफेस एरिया तो कितना है, देखो सॉलिड ये सॉलिड स्फीयर था, ये क्या है, ये भी हेमिस्फेरिकल, ये भी स्फीयर है पर ये हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, तो पहले जो ऊपर वाला जो पार्ट है जो हेमिस्फेयर का पार्ट है उसका कितना क्रॉस, उसका कितना सरफेस एरिया है, उसका सरफेस एरिया कितना है, पूरे का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ का कितना सरफेस एरिया होता है, 2 पाई आर स्क्वायर रेडियस आर, इस केस में रेडियस कितनी है 4r, तो 4r का स्क्वायर, ये तो जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हेमिस्फेयर वाला पार्ट, इसका सरफेस एरिया हो गया, अब जो ये नीचे वाला पार्ट है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कुलर एरिया, ये सर्किल बना रहा है, सर्किल
नीचे जब बॉल को ऐसे रखोगे ऐसे गोल गोल वाली, तो नीचे सर्किल बनेगा नहीं बनेगा, तो नीचे उस सर्किल का एरिया, ठीक है, तो वो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया, तो पाई आर रेडियस कितनी है इस केस में, आर की जगह 4r, पाई 4r का स्क्वायर पाई, ठीक है। तो अब सॉल्व करो, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 आर स्क्वायर 32 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 16 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कट गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 32 16 दूनी 32 होता है 48, 4 करना 4 4 दूनी 8 1/12, तो F21 कितना आ गया, 1y12, ठीक है, कितना आ गया 1y12, ठीक है।